सभी हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह की ओर से नमस्कार है, स्वागत है, वेलकम है। आज के खास वीडियो में हम खास चर्चा कर रहे हैं, आखिर ग्रामीण चिकित्सकों का दुश्मन कौन है, ग्रामीण चिकित्सकों से नफरत किसको है, ग्रामीण चिकित्सकों से इतना आप भेदभाव किसको है, आखिर ग्रामीण चिकित्सकों का बहाली क्यों नहीं हो रहा है, ग्रामीण चिकित्सक इतना संख्या में है कि उनकी बहाली सरकार को तुरंत ही कर देनी चाहिए। ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये आप नहीं पूछ रहे हैं, ये सारा संसार पूछ रहा है। GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल केवल भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों का ही बात नहीं करता है, बल्कि पूरे संसार के ग्रामीण चिकित्सा के लचर व्यवस्था को सुधारने के लिए और ग्रामीण चिकित्सकों के बहाली के लिए हमेशा से हम आवाज़ उठाते रहते हैं, और इन लोगों के जो काम है ये हम बताने की कोशिश करते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों की यदि बहाली कर दी जाती है, सरकार यदि बहाली करती है, तो पूरा देश का स्वास्थ्य का सिस्टम बिल्कुल सुधर जाएगा। यदि सरकार को ग्रामीण चिकित्सकों पर विश्वास नहीं है, तो जिस तरह से कोई अपने नया योजना को लाकर सरकार एक जिला में प्रयोग करती है, अगर एक जिला में यदि प्रयोग सफल होता है तो दूसरे जिला में प्रयोग किया जाता है। हम सरकार को ये सजेशन देना चाहते हैं कि आप पूरे बहाली मत कीजिए, पूरे शहर देश में बहाल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यदि सरकार डर रही है, ग्रामीण चिकित्सक पूरा कसौटी पर नहीं उतरेंगे, ग्रामीण चिकित्सकों के काम को लेकर, चिकित्सा के अनुभव को लेकर यदि सरकार को किसी तरह का डाउट है, तो कम से कम आप एक जिला में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ग्रामीण चिकित्सक का खास ट्रेनिंग देकर आप इसकी बहाली कीजिए और उस जिले में देखिए कि स्वास्थ्य की स्थिति अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम अपने YouTube के माध्यम से केवल भारत और बिहार के लोगों के ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल है, भूटान है, अन्य बहुत सारे छोटे बड़े हम ग्रामीण चिकित्सकों की बात करते हैं, जहां ग्रामीण चिकित्सा की स्थिति कितनी लचर है और उसको सुधार की क्या क्या ज़रूरत है। जब ये भारत सरकार ने ही इस पर जब कोर्स बन गया है, कोर्स ये हम नहीं बनाए हैं, आप नहीं बनाए हैं, कोई साधारण कोई सरकार के निर्देश पर ये नहीं बना हुआ है, बल्कि हम आपको दिखाएंगे कि NIOS का जो ओरिजिनल बुक होता है, जिस पर नोट फॉर सेल लिखा रहता है, ये नोट फॉर सेल इस पर लिखा रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट फॉर सेल लिखा है। ये NIOS से ग्रामीण चिकित्सा पर जो सिलेबस होता है उसके अनुसार इसका बुक तैयार किया गया है, यानी प्राथमिक उपचार पर ये बुक आपको ये है। अब आइए हम देखते हैं कि ये बुक को कौन कौन लोग तैयार किए हैं, तो इसे हम आज आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिए इसे तो बेटर रहेगा, आप इसे ध्यान से पढ़िए और देखिए कि इसमें कितने बड़े बड़े संस्था लगा हुआ है। ये हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ये पूरा भारत, पूरा संसार के ग्रामीण चिकित्सक सरकार से कर रहे हैं। हम आवाज़ इसलिए बुलंद करना चाहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, कोरोना काल में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जब ग्रामीण चिकित्सक का इतना भरपूर जब उन्होंने प्रशंसा कर दिया है, तो इस समय आवाज़ उठाना बहुत अच्छी चीज़ है। हम अपने YouTube के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं, बहाली कौन करेगा, किसका पावर है, इसमें सीधे सीधे सरकार का डायरेक्ट हाथ होता है।
बहाली सरकार ही चाहेगी तो कुछ हो सकता है। ग्रामीण चिकित्सकों को चाहिए कि अपने आसपास के नेताओं को आपको पकड़नी चाहिए और उनका टेलीफोन नंबर सारा चीज़ उनको याद करके रखनी चाहिए और आपको एकदम निडर होकर ये बात कहनी चाहिए, ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में अच्छी तरह से समझानी चाहिए। यूं ही हम लोगों को देश आज़ादी अंग्रेज़ों के हाथों से नहीं मिल गया था, बल्कि इसके लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। क्या आप तैयार हैं लंबी लड़ाई लड़ने के लिए? हम ऐसे किसी भी चिकित्सक को भाषणबाजी और भड़काने का काम हम नहीं करते हैं, बल्कि जो सच्चाई है वही चीज़ हम लाना चाहते हैं। ये जो कोर्स हमने आपको बताया है, इस पर इस पाठ्यक्रम में चार्ट तथा चित्र भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा ICDS द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से या उन पुस्तकों के आधार पर बनाए गए हैं। इसके लिए हम इन संस्थाओं के आभारी हैं। अब आप ग्रामीण चिकित्सकों से मेरा ये कहना है कि आप ये हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, ये NIOS का ये बुक कह रहा है और जो ये भारत सरकार से मान्यता है, अरे भारत सरकार से मान्यता है वही करते हैं और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आप कहते हैं और लेकिन करते नहीं हैं। कौन है दुश्मन? सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, जिस समय में ये पास हुआ होगा ये कतार सिंह कमेटी, आप 1900 आप इसमें देख सकते हैं, ये हम नहीं ये पुस्तक आप देख सकते हैं, भारत सरकार के निर्देशानुसार ही ये पुस्तक को तैयार किया गया है। ये प्राइवेट पुस्तक है और एक इससे सरकारी भी होता है। इसमें जबकि साफ साफ ये बात लिख दिया गया है कि 1972 में कतार सिंह कमेटी का गठन हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा हेतु आप बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना पर विचार करने होते, भारत सरकार ने 1972 में कतार सिंह कमेटी की स्थापना की, 1972 और इसे 75 में स्वीकार भी कर लिया गया। अब जोड़िए आप 1975 से लेकर 2020 तक कितने साल हुआ, 25 साल उधर और 20 साल इधर, 45 साल पहले जिसे आपको कमेटी बनाई गई थी और कमेटी का रिपोर्ट आ गया और बहाली भी करने के लिए कह दिया गया कि 5000 पर एक स्वास्थ्यकर्ता, एक ग्रामीण चिकित्सक और एक महिला स्वास्थ्यकर्ता, महिला ग्रामीण चिकित्सक की बहाली करनी है, फिर बीच में किसने रोका, ये किसने रोका, ये बात हम लोगों को जन्म से पहले की है और जन्म के बाद भी ये चीज़ लागू नहीं हुआ है, तो इसके लिए कौन दोषी है? सरकार दोषी है, ग्रामीण चिकित्सक दोषी है, कौन दोषी है? पत्रकार, मीडिया, पूरा संसार में ये कौन लोग दोषी हैं इसके? हमें तो लगता है कभी कभी कि दोष किसी एक पर मोड़ देना अच्छी बात नहीं है, बल्कि सारे लोगों को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को, ये नेता जब लोग आते हैं तो इनमें जो साहसी है, हिम्मती है, अरे कोई आपको आवेदन देने में कुछ लगता है क्या? जो नेता आए, हमने सोचा है कि अब की बार जो नेता आएंगे हम इधर उधर के कुछ भी मांग नहीं करेंगे, बल्कि ये चीज़ पूरे प्रमाण के साथ हम कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का असर नहीं हुआ है। ये हमारा YouTube चैनल का जो कार्यक्रम है COVID-19 पर, जो हमारा अपना जो आर्टिकल हमने दिया था साउथ एशिया टाइम्स में, ये छपा था ऑस्ट्रेलिया के अखबार में, जिसका राजीव शर्मा जी वो पत्रकार हैं, इसको कवर किए थे, और भी वो इंतज़ार में रहते हैं सदा कि
और आर्टिकल ये जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज का छपे और हम लोगों के बात को उठाने के लिए भी बहुत सारे पत्रकार मिल गए हैं। आप पता कर सकते हैं, आप राजीव शर्मा अगर पत्रकार का आपको टेलीफोन नंबर चाहिए जो ग्रामीण चिकित्सक इस पर बात करना चाहते हैं तो वो पत्रकार जो हैं साउथ एशिया टाइम्स के वो आपसे बात करेंगे। और वो दिल्ली के पत्रकार हैं, बहुत ही महान हृदय वाला पत्रकार हैं और बात को समझने वाला पत्रकार हैं। तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कुछ ये चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि ग्रामीण चिकित्सा का जो कोर्स होता है ये वर्तमान सरकार की बात नहीं है, आज से 45 साल पहले एक इस आइडियोलॉजी को विचार को एक इसे योजनाबद्ध किया गया और भारत सरकार ने ही एनआईयू उसकी मान्यता दी और इस कोर्स को चलाने के लिए मान्यता दी। और एमबीबीएस का पढ़ाई होता है तो उसकी बहाली भी होती है और आईटीआई ये जो आईटीआई करते हैं उनकी भी बहाली होती है। और विडम्बना कहिए कि जिसकी पढ़ाई होती है ग्रामीण चिकित्सक की पढ़ाई होती है एक साल का और पढ़ाई होने के बाद उसकी बहाली नहीं होती है। बीएड पहले एक साल का था, एक साल बीएड करने के बाद लोग शिक्षक बन जाया करता था हाई स्कूल का। आज आप प्रशिक्षण ले रहे हैं एक साल का ये भी है और तमाम तरह के इसके पहले कई ग्रामीण चिकित्सक तो इसमें हम जानते हैं कि पीजी पीएचडी तक कर गए हैं। तो ये बहाली ये क्यों रुका हुआ है इसके जड़ में हम लोगों को जानी चाहिए। ये पढ़ाई करने के बाद में ना हम लोगों का कोई संगठन है और ना कोई इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, सब कोई आराम से प्रैक्टिस कर रहा है और उसी से लोग खुश है। तब जब आप प्राइवेट से ही 2-4, 10-50, 100-200, 500 हज़ार कमा कर अपना किसी तरह से पेट पाल रहे हैं और किसी तरह से आप चला रहे हैं और उसी में हमारी खुशी है तो सरकार को भी लगता है कि इन लोगों को इसी में पेट भर जाता है, इसी में लोग अच्छे हैं, बहाल हम क्यों करें। तो जो मेधावी हैं उन लोगों को कम से कम बहाली होगा तो ग्रामीण चिकित्सकों का मनोबल बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा और हर चीज़ को बढ़िया से वो सीखेंगे तो इससे पूरे देश को लोगों को फ़ायदा होगा, नेता से लेकर इंजीनियर डॉक्टर सभी लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि जो भी आगे बढ़ जाते हैं लेकिन उनके बच्चे परिवार गांव स्तर पर ही लोग रहते हैं तो हमारे यदि ग्रामीण चिकित्सक वेल ट्रेंड रहेंगे तो सबकी सेवा करेंगे, इसमें सबका भलाई होने वाला है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि जब आपका ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार का ये घोषणा है और इसके पुस्तक में ये सब चर्चा किया गया है और उसके बाद भी बहाली नहीं हुआ है तो अब हम इसके क्या कह सकते हैं। यहाँ आपको ये सरकार का छोड़ दीजिए, ए नहीं उसका हम कहते हैं कि नौकरी के लिए इन्होंने भी कहा है लेकिन एनआईयूएस कि कब कहेगा ये समय से परे हो जाता है। आपको हम इसमें दिखाते हैं एनआईयूएस क्या लिखता है। इन पाठ्यक्रमों को अपने सूची में शामिल कर जिससे कि पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले लोगों के लिए रोजगार प्राप्त हो जाए, किसी पाठ्यक्रम का उपयुक्त ज्ञान उचित अपेक्षित कौशल प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए न केवल मुद्रित पाठ सामग्री का अध्ययन करे बल्कि खुद करके सीखने के उद्देश्य से संपर्क कक्षाओं में उपस्थित हो। यानी एनआईओ से जो कोर्स चलता है उसको ये पढ़ाई के लिए बोला जा रहा है कि आपको इसकी पढ़ाई आपको करानी चाहिए और रेगुलर क्लास करानी चाहिए और अच्छे से शिक्षा देनी चाहिए। जब क्लास अच्छे से चलने लगेंगे और हमारे बच्चे जो हैं हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं नए स्टूडेंट हैं अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो एक विश्वास जगेगा और ये विश्वास काफ़ी जगेगा। तो इसमें आपका इस हम इसमें और दिखाते हैं कि इसने क्या क्या इसमें
और भी लिखा है, ये हम यहाँ से आप प्रस्तावना आप देख सकते हैं। छोटा छोटा अक्षर में देखा लिखा है, लेकिन ये जो पुस्तक है आप इसके प्रस्तावना को अवश्य पढ़िएगा, आपको मिलेगा। और इसमें रोजगार के लिए इसमें सीधे सीधे बात इसमें लिखा है। इसमें भारत सरकार ने राष्ट्रीय ओपन स्कूल को अपने पाठ्यक्रमों के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने का अधिकार दे दिया है। अतः इसकी मान्यता, इसका प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय ओपन स्कूल इस दिशा में प्रयास कर रहा है कि रोजगार कार्यालय, हम नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, कोई सामान्य ग्रामीण चिकित्सक भी नहीं कर रहे हैं, इस पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है कि रोजगार कार्यालय और अन्य संस्था इन पाठ्यक्रमों को अपनी सूची में शामिल कर ले, जिससे कि इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले, प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले लोगों के लिए रोजगार प्राप्त करना आसान हो जाए। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि नौकरी के लिए आपको NIOS खुद कह रहा है, आप इसको मिलेगा, आप देखिएगा कि खुद NIOS प्रयास कर रहा है रोजगार कार्यालय में अन्य संस्थानों का इसका आपको कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए प्रयास NIOS कर रहा है कि ग्रामीण चिकित्सकों को नौकरी हो जाए। अब बात आती है कि सभी संस्था इतनी मान्यता प्राप्त होने के बाद ये भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन मिलकर इस कोर्स को बनाया है। इस कोर्स को कभी भी आप हल्के में न लें, ये कोर्स हम नहीं कर रहे हैं, हम प्रमाण के साथ कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी संस्था मिलकर इस सिलेबस को तैयार किया है। जिस तरह से MBBS का सिलेबस तैयार होता है वो बहुत, ये आपको जो ये ऑनर्स कराया जाता है, यानी उनको विशेषज्ञ उसे मामला ये उसे माना जाता है, विशेषज्ञ जिनको विशेष जानकारी हो। तो जब बीमारी कम टाइम में थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट से यदि नहीं ठीक होता है और अगर गंभीर स्थिति है, उस कंडीशन में आपको MBBS के पास, MD के पास, सर्जन के पास भेजा जाता है। लेकिन आपको बहुत सारा बीमारी जो है गंभीर नहीं रहते हैं, वो गांव स्तर के चिकित्सक यानी ग्रामीण डॉक्टर ही उससे बहुत अच्छा से ठीक कर देते हैं और जल्दी दवा देते हैं, ताकि बीमारी बढ़ता भी नहीं है और उन लोगों पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता है। ग्रामीण चिकित्सक अपना प्रिस्क्रिप्शन जो है किसी भी बीमारी का, TPR, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP एंड वेट, सभी का आकलन करते हुए, सभी को नाप तौल करते हुए, यानी कि ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, वेट, सबको लिख कर आपको रखनी चाहिए और जो जो आप सिम्टम आपने देखा उसका प्रिस्क्रिप्शन बनानी चाहिए और क्या क्या आपने दवा दिया। यदि आप रेफर भी करते हैं तो जिन आपको विशेषज्ञ के हाथ में आपका ये प्रिस्क्रिप्शन पड़ेगा तो एक इमेज अच्छा बनेगा ग्रामीण चिकित्सकों का कि चलिए इनका, ग्रामीण चिकित्सक का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छा होता है और वो समझेंगे कि नॉलेज है। और अपने सर्टिफिकेट का, डिग्री, डिप्लोमा के बारे में भी लिखें। बिना संघर्ष का कुछ भी मिलता है क्या? आप समझेंगे कि बिना संघर्ष का कुछ मिल जाए ऐसा होने वाला नहीं है, लोग होने भी नहीं देगा। तो हमने दो पुस्तक का अध्ययन किया इसमें, तो इसमें सीधे सीधे लिखा कतार सिंह कमेटी 1972-75 में सिफारिश लागू भी हो गया। अरे भाई, ग्रामीण चिकित्सकों पर ये कब लोग जगेगा? 45 साल में इस विषय को किसी ने छुआ भी नहीं, छूने का जरूरी भी नहीं समझा। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि देर से आए दुरुस्त आए। अब हम देखते हैं कि बिहार के हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ये क्या बोल रहे हैं, कितना संवेदना है। अगर नीतीश कुमार चाहते हैं ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली,
तो निश्चित रूप से चाहेंगे तो हो जाएगा। ऐसे सुनने भी में आता है कि शायद इस पर बातचीत चल रही है, लेकिन हम लोग खास कोई अपना नेता यानी ग्रामीण चिकित्सकों का नेता नहीं होने की वजह से ये ऐसा हो रहा है। यदि सभी ग्रामीण चिकित्सक को अपने अपने राज्य में यदि कोई नेता कोई बड़ा यदि इन लोगों के माध्यम से कोई बड़ा सेमिनार करे या कोई एक तरह से इन लोगों का कोई एक आंदोलन होनी चाहिए और एक शक्ति परीक्षण भी होनी चाहिए और इन लोगों का कहीं ना कहीं एक जगह प्रदर्शन होना चाहिए। ये ग्रामीण चिकित्सक एक बैनर के तला यदि काम करे संगठित होकर तो अवश्य काम होनी चाहिए। अब रही बात कि संगठन कौन बनाएगा, कौन इसका लीडर होगा, बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें हम आपका राय जानना चाहेंगे कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। हमें तो पहले पत्रकार महोदय को पकड़नी होगी और ये बात पत्रकार लोगों से कहनी होगी, और इसमें यदि 10 15 20 यदि डॉक्टर हमारे समय से अपने अपने एरिया में यदि एक बैनर के तला बैठ जाएं और वहाँ पर किसी नेता को आप वहाँ पर निमंत्रित करें और निमंत्रण भेजें और भेजने के बाद में उन्हें बुलाया जाए और अपनी बात को रखा जाए। जब ये बात मीडिया में आने लगे और हम लोगों को अभी तो संख्या ही नहीं मालूम है कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक कितने ट्रेंड हैं और कितने अनट्रेंड हैं। जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक ट्रेनिंग नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द ट्रेनिंग लेने का कोशिश करें। ग्रामीण चिकित्सक कहने का मतलब है कि केवल ये एलोपैथ का ग्रामीण चिकित्सक नहीं बल्कि होम्योपैथ आयुर्वेद नेचुरोपैथ यानी जितने में विशेषज्ञ होते हैं यदि नेचुरोपैथ में विशेषज्ञ होते हैं तो उसमें भी ग्रामीण चिकित्सक की मान्यता मिलनी चाहिए, आवाज़ इसकी उठनी चाहिए। तो बड़े चिकित्सा के अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन प्राथमिक उपचार के लिए कौन डॉक्टर अधिकृत होंगे उसकी भी कोर्स होनी चाहिए, उसकी भी बहाली होनी चाहिए। और आज के खास वीडियो में हम एक बात और अंत में बताना चाहेंगे कि आपको भारत सरकार ने आज के पेपर में आप देख सकते हैं 34 साल बाद बदला शिक्षा का स्वरूप, आप इसे आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण में है। तीस जुलाई आप देख सकते हैं, आपको इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 34 साल बदला शिक्षा का स्वरूप, नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी और इस मंजूरी स्कूली से लेकर उच्च शिक्षा तक आमूलचूल परिवर्तन। इसमें आपके शिक्षा में ये बहुत बड़ा ये मानव ये एक पहले बात हम बता देते हैं कि NIOS आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है, यानी उसे शिक्षा मंत्रालय भी लोग कहता था, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहने से बात बिगड़ जाती थी, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है क्या। अब उसका शिक्षा मंत्रालय साफ साफ नाम रहेगा। इसके लिए सरकार को हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद होनी चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय जैसे हम लोगों का ये नहीं उसका जो कोर्स है सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग या जन स्वास्थ्य या सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी, ये सारे आपको शिक्षा मंत्रालय के अधीन ही काम अधीन ही आएगा और उसी के अनुसार ये सिलेबस बनेगा। तो आज के खास वीडियो में आप जो ये बहुत बड़ा शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है, हमारे ग्रामीण चिकित्सक एकदम बकुले की तरह एकदम ध्यान लगाकर उन्हें देखनी चाहिए कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या हम लोगों के बारे में कोई परिवर्तन हो रहा है या हम लोगों के बारे में नहीं है तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए हो सकता है। ये जानकारी आपको आपके बेटे बेटी का
लिए ये बहुत अच्छा जानकारी हो सकता है, इसलिए इस समाचार को आप पढ़ना न भूलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। हमें तमाम तरह ग्रामीण चिकित्सक से अनुरोध करते हैं, ये लाइक सब्सक्राइब के चलते ही ये हमारे चैनल पर आने का मन करता है, आप लोगों से बातचीत करने का मन करता है। ऐसे ही हम लोगों का प्रैक्टिस करते हुए, बातचीत करते हुए और संसार में बहुत अच्छा से शांति रहते हुए हम लोग विश्व को, देश को कुछ दे दे तो हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को भला होगा। हमारे चैनल देखने के लिए GSMP क्लिनिक एंड सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।